अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को जिसको हमने फैक्टराइज़ करना है। स्टूडेंट, फैक्टराइज़ करने के मेथड, डिफरेंट मेथड आप लोगों ने पढ़े हैं, लेकिन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट मेथड, मिड टर्म ब्रेक। आज मैं इसमें बहुत से इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स आपको जो है वो बताऊँगा, जिससे अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करना पड़ती हैं। तो इसमें मैं यहाँ पे आपको उसको गौर से देखिएगा ताकि आप लोग जो है उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। सो मिड टर्म ब्रेक करनी है आपने, इस फैक्टर को टू पार्ट्स में सॉल्व करना है। उसके लिए आप लोगों को ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए, लेकिन उन दो फैक्टर्स को फाइंड करने से पहले आपने देखना है कि आपके फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में कौन से कोफिशिएंट्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ देखो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, एंड लास्ट टर्म में अगर आप बात करें तो वो मेरे पास कोफिशिएंट क्या है, 48। तो स्टूडेंट्स, 1 और 48, इन दोनों को आपने प्रोडक्ट फाइंड कर लें तो वो क्या आएगा, सिंपल 48। अब 48 में आप लोगों ने नंबर्स जो हैं वो उनके टेबल्स के अकॉर्डिंग फाइंड करने हैं कि कौन कौन से नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर कौन कौन से पेयर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 48 आए। तो उसमें आप देखेंगे 1 × 48, 2 × 24, 3 × 16, 4 × 12, 6 × 8। सो ज़्यादा नहीं आप लोगों को प्रॉब्लम होगी स्टार्टिंग में, आप लोगों का जब एक बार आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड हो जाए तो देन आप लोग डायरेक्ट भी फैक्टर्स इजीली फाइंड कर लेंगे। लेकिन यहाँ देखो, आपके पास ये 5 फैक्टर्स हैं, इन 5 में से आपके पास सिर्फ एक ही फैक्टर आपके सामने होगा जो आपके लिए करेक्ट है, उसके अलावा बाकी सारे फैक्टर्स आपके जो हैं वो आंसर को गलत करेंगे। तो हम देखते हैं कौन सा फैक्टर हमारे लिए करेक्ट रहेगा। पहला हमने फाइंड कर लिया कि प्रोडक्ट, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या, आप इन फैक्टर्स में से आपने वो पेयर सेलेक्ट करना है जिनको प्लस करें। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट्स अक्सर कहा जाता है प्लस या माइनस करें, और इसी प्लस और माइनस में बहुत से स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहती है कि कब प्लस करना है कब माइनस करना है। तो मैं यहाँ पर आपको ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊँगा, आपने इनको देख लेना है। यहाँ पर बच्चे, आपके पास रिजल्ट आ रहा है +48, इट मींस आपने ऐसे दो फैक्टर सेलेक्ट करने हैं जिनको प्लस करेंगे तो 14 मिड टर्म बनेगी। प्रोडक्ट करने पर कॉर्नर की वैल्यूज़ का प्रोडक्ट और प्लस करने पर सेंट्रल टर्म, ये दो बातें, ऐसे फैक्टर जिनका प्रोडक्ट कॉर्नर का प्रोडक्ट और ऐड करने पर सेंटर वाली टर्म बने। तो अब आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन से दो नंबर्स हैं जिनको ऐड करने पर, सिर्फ ऐड, माइनस को छोड़ दें क्योंकि यहां पर सिर्फ प्लस हो रहा है। तो ऐड करने पर कौन सा स्टूडेंट्स, ये 6 और 8, इन दोनों को ऐड करें तो 14 बन रहा है, और बाकी सारे फैक्टर्स आपके क्या हैं, वो आपके वेस्ट मटीरियल है। तो ये आपके पास फैक्टर जो है वो वैल्यू आ जाती है, इसको आप यहाँ लिख देंगे 6x + 8x, एंड लास्ट टर्म आपके पास एज इट इज़ आएगी। तो अब आप देख सकते हैं बच्चे, फर्स्ट टर्म सेम, लास्ट टर्म सेम, सिर्फ मिड टर्म को आपने ब्रेक किया इन टू पार्ट्स। ओके, अब यहाँ से आप देखो कि आपके पास 4 टर्म्स आ गई। फर्स्ट टू में से आपने देख लेना है कोई चीज़ कॉमन आ रही है, एक्स कॉमन है तो यहाँ आपके पास बचेगा x + 6। इन दोनों में अगर हम देखें तो क्या है, 8 कॉमन, x + 6, x + 6 और x + 6 बोथ आर सेम। स्टूडेंट्स, ये फैक्टर भी सेम होना ज़रूरी है हर क्वेश्चन में, जब भी आप मिड टर्म का क्वेश्चन करोगे तो यहाँ आपको सेम फैक्टर्स मिलेंगे। अगर ये सेम फैक्टर्स नहीं आएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हुई है, उसको आपने दोबारा से कवर कर लेना है। x + 6 अगेन कॉमन, एंड देन रिमेनिंग इज x + 8। दिस इज़ द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ईजी मेथड टू फाइंड द मिड टर्म ब्रेक। ओके, फैक्टराइज, आई होप सो यू अंडरस्टैंड एंड लाइक दिस लेक्चर। सो एन्जॉय एंड टेक केयर।